मुझे बहुत पसंद है अवार्ड, मुझे बचपन में बिल्कुल अवार्ड नहीं मिले किसी भी चीज़ के लिए, तो जब भी कोई मुझे अवार्ड देता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता कि क्यों कैसे क्या, किसी ने काम देखा और अवार्ड देने की सोची, यही बड़ी बात है। बहुत खुशी होती है ये देखकर कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पर जो लोग नए हैं वो भी, और जो लोग अनुभवी हैं, जो लोग सालों से काम कर रहे हैं वो भी उतने ही एक्साइटेड हैं उस प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आकर लोगों को लगता है कि वो खुलकर अपनी कहानी कह सकते हैं अपनी ज़बानी, तो वो देखकर बहुत खुशी होती है। आ रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें आ रही है, वर्डिक्ट करके एक शो किया है मैंने ऑल्ट बालाजी के लिए, वो आ रहा है बहुत जल्द। एक फिल्म की है मेड इन चाइना, वो आने वाली है इस साल, तो आ रही हैं तीन चार चीज़ें। थैंक यू, थैंक यू। पूछेंगे या मैं बोल दूं? सी दादा साहब फाल्के साहब जो हैं वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने सिनेमा को जन्म दिया था। हम आभारी हैं कि उनके कारण आज हमको एक प्रोफेशन मिला सिनेमा, और उस सिनेमा में काम करके हमारी रोजी रोटी चली, हमारे परिवार पले। तो आज उनके नाम पे जो अवार्ड हो रहा है बहुत खुशी की बात है। आज मेरे अपनों ने मेरे अपने काम को जो है एंडोर्स किया है, और मुझे बड़ी खुशी है, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इस तरह का जो ये अवार्ड है ये और बड़ा रूप लेता जाएगा, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। थैंक यू। Hi everyone, I'm really happy to be here in Mumbai and attending Dada Saheb Phalke Awards. This is for the first time I'm attending it, so I'm feeling extremely honored to be here as one of the guests, and all the very best to whoever is winning, and they're making us all proud, and we as film fraternity are really proud of their endeavors, and I look forward for the grand evening. Thank you. Hello. Hi. How does it feel for you to receive the Dada Saheb Phalke? It feels great. Feels a lot of things in one go, actually, because when you say Dada Saheb Phalke, sir, the person who started the industry, the person who's behind everything that we do today, it's like the backbone, and to have an award on his name is highly prestigious and overwhelming, because it's a feeling, it's more than an award. Thank you. Thank you. Ah, कैसे हैं? गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हाय, मैं आपको देख के कितनी खुश हो गई, माय फेव पर्सन जी जी बट मैं आपको देखना चाह रही थी, मैं खुश हो गई। थैंक यू। मैंने साड़ी पहनी हुई है, इंडियन मैंने एक्चुअली रेड कार्पेट पर साड़ी पहली बार पहनी है, इसलिए क्योंकि दादा साहेब फाल्के एंड ये अवार्ड फंक्शन, ये बहुत ही ऐसा लगता है आपके फ्रेटर्निटी, आपकी फैमिली में कोई एक फंक्शन है, एंड बहुत ही इंडियन फील कराता है, तो साड़ी से बेटर और कुछ नहीं हो सकता। क्रेडिट लोग मुझे दे तो अच्छा लगता है, मैं दूसरों को देती हुई अच्छी लगती हूँ। थैंक यू। मैंने दो तीन मैचेस बीच में देखे हैं ऑनेस्टली, जब मैं विराट कोहली सर स्ट्रेस में थे फिर वो जीत गए वो मैच, तो हम बहुत एक्साइटेड थे उस रात, बट मैंने एक्चुअली फॉलो नहीं किया, बिट्स एंड पीसेस में देखा है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम शूट कर रही थी, जिनका नाम मैंने अभी भी लिया। थैंक यू।
ट्रेलर आ चुका है, अगर आपने देखा है तो ग्रेट, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। ये फिल्म मेरे लिए बहुत डिफरेंट है, ये तेलुगु में डेब्यू है, दूसरा ये बहुत ही यंग फिल्म है और इसमें जिस वे से मेरा प्रेजेंटेशन है, जो मैं किरदार निभा रही हूँ, शायद मैंने अपने पूरे एक्टिंग करियर में कभी भी वैसा कुछ प्ले नहीं किया है। बहुत टुडे एंड बहुत आज की कहानी है, आई पर्सनली थिंक हर कोई रिलेट कर सकता है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग जाएँ और देखें, इट्स अ लव स्टोरी and I hope you'll enjoy it. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Bye. Okay. Thank you. बहुत एक्साइटेड हैं, हमको अवार्ड मिल रहा है इसलिए भी एक्साइटेड हैं, और दादा साहब फाल्के साहब को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वजह से भी एक्साइटेड हैं, और ज़्यादा सेलिब्रेशंस होने चाहिए हमारे दादा साहब फाल्के के लिए, क्योंकि वो हमारे जनक हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जनक हैं, जिसकी वजह से हम इतना कुछ हमने हासिल किया है, इतना कुछ हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो और ज़्यादा सेलिब्रेशंस होने चाहिए, कम हैं ऐसा मुझे महसूस होता है। उससे से डायरेक्ट मेमोरीज तो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि जो भी अवार्ड, जो भी रिवार्ड्स, जो भी नेम फेम मनी हमको हासिल हुई है, वो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से हुई है, और फिल्म इंडस्ट्री दादा साहब फाल्के साहब की देन है। सो उनके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहता हूँ, हमेशा कृतज्ञता महसूस करता हूँ। It's a very big honor for me, and I'm very very grateful to people who have noticed my work and chosen to acknowledge it. I'm getting the award for Mirzapur, and we are going to start shooting season 2 very soon. So this is really an honor and a huge encouragement. Thank you. I feel really nice to be a part of the Dada Sai Phalke Award, because it's the most prestigious award in the country, and I'm really honored to be called here. I've got to go there, right? जी बताइए। जी देखिए बताइए मुझे कि जब आदमी को अवार्ड मिलता है तो वो कितना एक्साइटेड होता है। मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। इट्स एन ऑनर दैट लोग आपके काम को पहचानते हैं, पसंद करते हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम गेटिंग दिस अवार्ड। दादा साहब फाल्के जो हैं, ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। सो इट्स डेफिनेटली इट्स एन ऑनर। जी देखिए, बदलाव तो जो है वो कहते हैं ना कि द ओनली कॉन्स्टेंट इज द चेंज। सो उसी तरीके से बदलाव हैं, बहुत बदलाव हैं, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे फिल्म इंडस्ट्री बदल रही है, हम सभी बदल रहे हैं, है ना। तो वो सारे बदलाव तो हम भी इंसान ही हैं, बॉलीवुड जो है फिल्म इंडस्ट्री इंसानों की इंडस्ट्री है, तो वो बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन जो भी बदल रहा है मुझे लगता है कि बहुत अच्छे के लिए बदल रहा है। बहुत अच्छे हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, नई कहानियां आ रही हैं, नया प्लेटफॉर्म है तो नई तरीके की कहानी, नए तरीके से कहानी कहने का जो एक अंदाज है वो बदल रहा है, और नई ऑडियंस मिल रही है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि नाराज़ मत होइए किसी से, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।
आईपीएल का फीवर तो सारे साल चलता ही चलता है हमारे यहाँ। क्रिकेट तो हिंदुस्तान का फीवर है ही, परमानेंट फीवर है। मैं तो अपने ही शहर की टीम को सपोर्ट करूंगा भाई। मेरी कौन सी, मेरे कौन से फेवरेट क्रिकेटर हैं, जो जिस दिन अच्छा खेल जाते हैं मेरे वो उस दिन फेवरेट क्रिकेटर हो जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। It feels amazing. It feels, I really feel honored to be, I really feel honored to be receiving this award. As we all know ki Dada Saheb Phalke Film Foundation Award sabse prestigious award hai aur mujhe is award ke liye chuna gaya, ye mere liye bahut gurur ki baat hai. जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल के मैं हर रोज कौन तुझे क्यों प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दैट साइड राइट, I'm really excited and I'm happy. This is my debut year in Bollywood. So, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं क्या बोलूँ, really excited. Oh, I'm wearing Papa Don't Preach by Shubhika. So, I thought I should wear, summer's there, so I should wear something light and nice. So, I thought of white color and nothing better than this with the right pop of color. Thank you. थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। मंच पे भी मैंने यही कहा कि जब मैं टीवी कर रहा था तो सारे अवार्ड्स वहाँ पे मैंने ले लिए, अगर मैं लड़की बनता तो शायद वो भी अवार्ड मुझे मिल जाता वहाँ पे टीवी पे, और टीवी के बदौलत बॉलीवुड में आया हूँ और 3 से 4 साल हुए हैं। और जब आपको ये अवार्ड मिलता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो बहुत खुशी होती है और उससे भी ज़्यादा एक जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ जाती है कि आप और अच्छा काम करो और ऐसे ही आप सभी को एंटरटेन करता रहो। वेल, जब छोटा था तो हम सभी अवार्ड्स के बारे में सुनते थे, लेकिन दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में जब भी मैं टीवी में या किसी मैगजीन में जब मैं देखता था तो इतनी खुशी होती थी, और बचपन से एक्टर बनने का शौक़ था मुझे। और कहते हैं कि जब सपना बड़ा होता है और आपका फोकस आप बहुत होता है आपका, तो वो सपना ज़रूर पूरा हो जाता है। तो आज वो दिन याद आ रहा है कि कभी मैंने देखा तो आज मेरे हाथ में है। अभी तो शुरुआत हुई है और बहुत आगे काम करना है। वेल, आज जो भी हूँ मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो उसके टीवी का हाथ बहुत बड़ा हाथ है, और जितने भी मेरे फैंस हैं उन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि उनके बदौलत आज मैं यहाँ पे। और जब भी मुझे कोई अवार्ड मिलता है तो मैं अपने सारे फैंस को धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि उनके बदौलत मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और टीवी का तो बहुत बड़ा हाथ रहा है, टीवी के ही बदौलत मुझे मूवीज़ मिली है, और कोशिश यही रहेगी कि जब भी टीवी में मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ पे अवार्ड में डांस करता हूँ, आता हूँ, दिखता हूँ वहाँ पे, और आज जो भी हूँ टीवी के बदौलत हूँ। वेल, खास तो बहुत ज़्यादा है, और कोशिश यही है कि कुछ अलग फिल्में की जाए। जिस तरीके की अभी फिल्में चल रही हैं, बहुत बड़ी फिल्में नहीं, अगर कंटेंट अच्छा है तो वो फिल्में ज़्यादा चल रही है, तो वैसे ही प्लानिंग भी आपको चेंज करनी होती है। तो अच्छी फिल्में सुन रहा हूँ, नरेशन अच्छी ले रहा हूँ ताकि कुछ ऐसा अच्छा कंटेंट हो। और रही बात लंबे बालों की, तो छोटे बालों में हमेशा देखा है, तो मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट जो लुक हो वो बड़े बालों में हो। मेरे भाई,
कैसे हो आप? बिल्कुल 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 ज़रूर, मैं वेब सीरीज़ भी ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत लोग वेब सीरीज़ देख रहे हैं। मुझे मैं खुद घर पे वेब सीरीज़ देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि जब मैं खुद ही देखता हूँ तो क्यों ना वहाँ पे भी मैं काम करूँ। ज़रूर मैं करना चाहूँगा वेब सीरीज़, और उसकी मीटिंग्स भी चल रही है, नरेशन भी चल रही है, क्योंकि वेब सीरीज़ में भी आपको अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी वेब सीरीज़ बन रहे हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ अच्छा काम चुनना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे उस वेल मैं एकता मैम का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके सारे शोज बहुत हिट रहे हैं, और वो जो भी करती हैं बहुत अलग करती हैं, हटके करती हैं। ये शो भी बहुत बड़ा हिट रहा है, और बजाज जो भी रहेंगे तो मुझे लगता है आई एम श्योर जहाँ पे एकता मैम है वो ज़रूर अच्छे एक एक्टर को लेंगे, और शो ऐसे भी बहुत अच्छा कर रहा है, और जो भी होंगे जो भी उसमें कास्ट होंगे तो ज़रूर हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं उनका। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, कैसे हो भाई? कीटो डाइट कर रहे हो? जब भी अवार्ड में आते हैं या तो मैं गुरमीत से इंस्पिरेशन लेता हूं या उनकी बीवी से इंस्पिरेशन लेता हूं। हाँ बिल्कुल, हम जब भी आते हैं तो कपड़े हमें हमारे लगभग लगभग सेम होता है। सो नाइस टू सी यू। बिल्कुल, ये तो हमारा प्यार है, और हम दोनों में जब भी हम मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते हैं। हालांकि मैंने कभी मुझे अवसर नहीं मिला गुरमीत के साथ काम करने का, एंड आई होप दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। बिल्कुल, आप इतने टैलेंटेड हो, हम दोनों के साथ में काम करना चाहिए। क्वाइट वंडरफुल, एंड यही ओकेजंस होते हैं जब हम अवार्ड्स पे मिलते हैं और एट अ गैदरिंग, बट आई होप वी गेट अ चांस टू वर्क दिस ईयर। फॉर श्योर, जरूर कोशिश करते हैं इस बार, हम सबको बोलते हैं। मैं आता हूं, आई एम गोना क्विकली गो। वेरी ऑनर्ड टुडे एंड वेरी डिलाइटेड, कल मदर्स डे है, और अपनी माँ को मैं इससे खूबसूरत तोहफा दे नहीं सकता था। इट्स द दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड, हम सब जानते हैं ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, एंड टू यू नो रिसीव दिस सो अर्ली इन माई करियर मीन्स अ लॉट। जी मुझे आपका सवाल समझ नहीं पड़ा, पर इधर या जी जी कल फाइन। मैं धोनी भक्त हूँ, मैं धोनी भक्त हूँ, सो आई एम अ हार्ड कोर, यू नो मैं मुंबई में रहता हूँ पर मैं चेन्नई फॉलोअर हूँ, तो अगर चेन्नई के साथ गेम है तो आई ऑलवेज यू नो आई एम सपोर्टिंग चेन्नई, एंड आई होप ही विंस टुमारो। मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है कि मैं मंडे को छुट्टी पे जा रहा हूँ, जून 1st को एक और छुट्टी में हिल्स पे जा रहा हूँ, पर अभी थोड़ा आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ सबैटिकल। आई थिंक काफ़ी अरसे से 3 साल से इश्कबाज़ पे काम चल रहा था, एंड आई थिंक आई डिजर्व द ब्रेक, सो जस्ट डूइंग थिंग्स आई लव। मैं सुन के सेंटर में बोलता हूँ, देखा आपने, क्यों हमारी ज़िंदगी इतनी सीरियस होती है, सब रोज़ काम के चक्कर में यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी होती है। आई थिंक इफ यू डोंट हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर इट्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव इन अ इंडस्ट्री लाइक आर्स एंड इन अ सिटी लाइक आर्स, सो आई थिंक इट जस्ट कम्स इनहेरेंटली व्हेन यू स्ट्रगल्ड इनफ यू हैव टू लुक एट द लाइफ फ्रॉम अ फन साइड, एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। 100% अपने आप पे तो पहले लेना पड़ता है, अगर यू हैव टू क्रैक अ जोक ऑन एनीवन एल्स यू शुड बी आई थिंक स्पोर्टिंग इनफ टू फर्स्ट मेक फन ऑफ योरसेल्फ।
आजकल हमारे देश में जैसे फुल टाइम ऑक्यूपेशन की हम ऑफेंस सब चीज़ पे ऑफेंस लेते हैं, अगर एक पार्टी को सपोर्ट ना करे तो एंटी नेशनल होते हैं, तो ये तो हमारे देश का फुल टाइम ऑक्यूपेशन है, कहीं तो जॉब्स बने हैं पिछले 5 सालों में, सो आई थिंक लोग ऑफेंड होते हैं एंड दैट्स समथिंग आई कांट हेल्प यू नो डू मच अबाउट, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं अपने काम से लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूँ, पर अगर आप मेरे विचारों से ऑफेंड होते हैं तो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू डील विद. सॉरी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. सी यू. रमेश जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं वैसे ही अवार्ड्स को लेके बहुत एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत कम अवार्ड्स में बुलाया जाता है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आज जब मैं यहाँ हूँ कि एक ऐसे अवार्ड फंक्शन पर हूँ जहाँ जो कि हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के फादर माने जाते हैं दादा साहब फाल्के, उनके नाम पर जो फाउंडेशन है वो होस्ट कर रहे हैं ये अवार्ड्स, तो एक नोबल कॉज के लिए आया हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. नहीं, एक तो सबसे बड़ी यादें ये जुड़ी हैं कि मेरे बहुत से दोस्त ये अवार्ड्स जीत चुके हैं, तो अच्छा लगता है देख के कि मैं ऐसे लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ जो अच्छा काम करते हैं. सॉरी, आईपीएल में देखता नहीं मैडम, सॉरी, बिल्कुल सॉरी, उस पर अभी मैं बात नहीं कर सकता. थैंक यू. अवार्ड जो आज होने जा रहा है ये हम कलाकारों के लिए पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि दादा साहब फाल्के हमारे इंडस्ट्री के पितामह हैं जिनकी वजह से आज हम फिल्में देख पा रहे हैं हिंदुस्तान वाले, और उनकी पत्नी को यानी हमारे भाभी जी को मैं प्रणाम करना चाहूँगा. असल में सिनेमा जो है मेरे ख्याल से वही माँ हैं जिन्होंने अपने गहने बेच कर पितामह दादा साहब फाल्के को मदद की थी, फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था, तो मैं उस देवी को प्रणाम करता हूँ, वो हमारी माँ है और सिनेमा जो है वो माँ है. और दादा साहब फाल्के के लिए क्या कहूँ कि आज अरमान पूरे हुए सुनील पाल के, आज अरमान पूरे हुए सुनील पाल के कि मैं हिस्सा बन पाया हूँ उस ग्रेट अवार्ड का जिसका नाम है दादा साहब फाल्के. जी, उनकी पत्नी ने बहुत सपोर्ट किया था, इसीलिए कहते हैं ना कि हर सक्सेस आदमी के पीछे एक पत्नी का या एक फीमेल का हाथ होता है. दादा साहब फाल्के साहब के साथ जिनका हाथ था वो हमारी भाभी जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. आप आने वाली फिल्म मेरी विग बॉस को शुभकामना दीजिएगा. जून में वो पिक्चर आ रही है, आप सब सपोर्ट कीजिएगा. मीडिया वालों, आपका आशीर्वाद चाहिए. धन्यवाद भक्तजनों. वेल, मुझे बहुत खुशी है, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज आज मुझे अवार्ड मिल रहा है एंड आई एम हियर टू रिसीव माय अवार्ड एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इतना बड़ा प्रेस्टीज अवार्ड मिल रहा है. थैंक यू. आई थिंक एनी काइंड ऑफ अवार्ड हो, चाहे दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो या कोई भी अवार्ड हो, इट जस्ट इट्स अ पैट ऑन द बैक जो बोलता है कि आप काम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और करते रहिए. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स ऑन योर शोल्डर एंड आई एम हियर टू शोल्डर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एट बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज. वेल, नाम उसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आई एम नॉट अ पॉर्न स्टार नजर संभाल के एंड यस, इट्स अ वेरी सेंसिटिव फिल्म, सेंशुअल फिल्म बट सेंसिटिव फिल्म. इट टॉक्स अबाउट प्री कंसीव्ड नोशंस, किस तरह से हम लोग सोचते हैं किसी के बारे में कुछ और वो ऐसा इंसान शायद ना हो कभी. सो इट्स नॉट रियली द वर्ड पॉर्न स्टार बट इट जस्ट मीन्स इट्स अ मेटाफर which means कि आप लोगों को जज नहीं करिए द वे दे ड्रेस अप और द वे दे आर, बिकॉज लोगों का दिल जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, उनकी पहनावा इम्पोर्टेंट नहीं होता. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ जी, एक सेकेंड. हाँ,
प्लीज मेरे फ्लैग्स के बारे में मत पूछना, पाकिस्तानी फ्लैग के बारे में। ओके ठीक है। नहीं, इशारा ने आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये अवार्ड लेकर। जी थैंक यू राखी सावंत, द बेस्ट आइटम डांसर इन बॉलीवुड। फाइनली थैंक गॉड कि अब आइटम गर्ल्स को अवार्ड मिलने लगे, आइटम सॉन्ग्स को अवार्ड मिलने लगे। थैंक यू सो मच। मैंने अपनी जिंदगी में 75 से लेकर 100 आइटम सॉन्ग्स किए इन ऑल लैंग्वेजेस। अब इतने रियलिटी शोज किए हैं, मुझे कभी अवार्ड नहीं मिला। हाँ नॉमिनेट हुई हूँ हमेशा, लेकिन बहुत खुशी होती है। मेरी टांगें दुख गई, मेरी हड्डियाँ दुख गई बॉलीवुड में डांस करते करते, यू नो इतनी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच कि सबसे बेस्ट अवार्ड मुझे मिला है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। नहीं भाई, हम भी परचेज नहीं किए, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अवार्ड को परचेज करें। आज मेरा परफॉर्मेंस भी था और फिल्म जो ज्यूरी है, जो फेडरेशन है, उन्हें लगा कि राखी सावंत पिछले 12 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में है और आज तक उसे एक भी अवार्ड नहीं मिला। हालांकि मेरे सारे गाने हिट है, सारे एल्बम भी हिट है, सारे रियलिटी शो हिट है, बट नॉमिनेशन में हमेशा आई हूँ, अवार्ड नहीं मिला। अच्छा लगता है एक आर्टिस्ट को, एक टेक्नीशियन को, एक डायरेक्टर को, एक प्रोड्यूसर को अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और हिम्मत होती है और मेहनत करने की। हम दिन ब दिन मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं आपसे सिर्फ 4 सवाल पूछूंगी और पूरी मीडिया मुझे उसका जवाब दे और देश की जनता मुझे उसका जवाब दे। अगर वो मुझे जवाब दे देगी तब मैं बताऊंगी कि पाकिस्तान का फ्लैग जो है मैंने अपने बॉडी पे क्यों लगाया और क्यों लहराया। मतलब आप सिर्फ आर्टिस्टों को ही पकड़ते हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर को नहीं पकड़ते हैं क्या? क्या आपको 2 साल पहले की बात प्रोटोकॉल की याद दिला दूं? एक्स पाकिस्तान के जो पीएम थे, क्या नाम है उनका, नवाज शरीफ जी के पास तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो बगैर इनविटेशन के चले गए थे पाकिस्तान। उनको तो पूरे हिंदुस्तान ने किसी ने नहीं रोका। और हमारी सानिया मिर्जा जी हिंदुस्तान की शान जान, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने तो वहाँ पे शादी करी है। और हमारे सिद्धू जी तो पाकिस्तान गए हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग सब लोग पाकिस्तान जाते हैं। और हाँ, फुलवा ट्रिक को मैं कैसे भूल जाऊँ, जिस देश हिंदुस्तान के देश में एक चिड़िया नहीं आ सकती, हमारे आर्मी चिड़िया को भी मार दे अगर पड़ोसी देश से आ जाए तो। फुलवा अटैक में इतना RDX, इतना बारूद कहाँ से आ गया? हमारे जवान कहाँ से मरे? कौन लाया बताओ ना, मुझे जवाब दो आप लोग, मुझे इन सब सारी चीजों के जवाब दो, फिर मैंने बताऊंगी कि मैंने पाकिस्तान का फ्लैग क्यों लगाया। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मुझे ये सब जवाब चाहिए। आपको पता है कि जब पाकिस्तान पर फिल्में बनती है तो हिंदुस्तान के आर्टिस्ट जो है वो पाकिस्तानी कैरेक्टर प्ले करते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझ पर ट्रोल करना बंद करें, बिकॉज आई लव माई इंडिया एंड आई एम प्योर इंडियन। यस, हर पाकिस्तानी बुरा नहीं होता, हर मुसलमान बुरा नहीं होता। मैं टेररिज्म के खिलाफ हूँ, मेरी फिल्म का नाम है धारा 370, उसमें मैं एक पाकिस्तानी लड़की का रोल प्ले कर रही हूँ जो कि जिहादी बच्चे जो होते हैं, मतलब छोटे छोटे कश्मीर के बच्चों को जिहादी बनाया जाता है। और वहाँ से एक पाकिस्तानी अच्छी लड़की जो है पाकिस्तानी है लेकिन दिल उसका हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तान के लोगों को वो हेल्प करती है बॉर्डर पार कराने के लिए, तो वह मेरा कैरेक्टर है। मैं पाकिस्तानी लड़की हूँ तो क्या मैं इंडिया का फ्लैग दिखाऊंगी? अगर मैं पाकिस्तानी लड़की हूँ तो पाकिस्तान का फ्लैग दिखाऊंगी इन द फिल्म, तो इसलिए मैंने फ्लैग लगाया। सबसे पहले मुझे वो 4 जवाब चाहिए हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की आर्मी से और मीडिया से। इसलिए मेरा दिमाग मत चाटना, ओके? और जियो और जीने दो। और मुझे ट्रॉल किया ना तो इसी अवार्ड से पीट के मारूंगी।
देखिए मैं प्योर इंडियन हूँ, आई लव माई इंडिया, मेरा कर्म इंडिया, मेरा धर्म इंडिया, मैं जीऊँगी इंडिया, मैं मरूँगी इंडिया, मेरा सब कुछ इंडियन है। मैं आज बहुत खुश हूँ और आज आप मुझे बिल्कुल ट्रोल नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की जनता को हो क्या गया, हम लोग एक्टर है यार, हम लोग एक्टर है, हमें हर कैरेक्टर निभाने पड़ते हैं। तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? चलो अब मुझे जाने दो, बाय। I've got this Dada Saheb Phalke Film Foundation Award for Young Achiever and I'm very happy and excited about it because it's just been like 1 year I've started my work in this industry and in the first year they have recognized that in spite of being a GST inspector I've done this Roadies and Big Boss and Box Cricket League so I've got this Young Achiever Award so I'm very happy about it. Thank you. लग दूं यहाँ पर स्टाइलिश एक्ट्रेस ऑफ द ईयर ट्रोल भी नहीं किया जाता सो व्हाटएवर आई वेयर व्हाटएवर आई डू ट्रोलिंग इज वन थिंग दैट कम्स कॉम्प्लीमेंट्री विद माय इंस्टाग्राम बट आई थिंक दैट्स विद एवरीबॉडी और आज के टाइम में आई थिंक ये एक चीज है हम माने या ना माने मीडिया माने या ना माने बट ट्रोलिंग इज दिस वर्ड हैज गॉटन अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली फेमस एंड यू नो बीइंग टॉक्ड अबाउट एंड ऑल दैट सो इट्स फाइन आई मीन आई डोंट टेक इट एज अरे क्या हो गया यार ऐसे कैसे हो गया मेरी जिंदगी में नो It's fine. Being be talked about and that's what matters. And agar trolling nahi hui hoti mere kapdon ke upar, I wouldn't have gotten this here. So I'm very, very happy. Thank you. Yes. It's a big honor and it's why I am here today. ये अवार्ड मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है एंड माई मदर वॉज वेरी वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड विच इज़ वाई आई एक्चुअली मेड श्योर दैट आई एम वेयरिंग हर सारी टुडे बिकॉज इट्स मदर स्टे अराउंड द कॉर्नर एंड आई डिडंट थिंक कि इससे बेटर दिन हो सकता था अपनी माँ की साड़ी पहन के आना सो आई एम वेरी यार मेरे लिए मदर्स डे स्पेशल सिर्फ मदर्स डे पे नहीं होता आई ऑनेस्टली बिलीव दैट माई मदर हैज़ डन सो मच फॉर मी टू ब्रिंग मी हियर एवरी डे शी डिजर्व्स यू नो रिवॉर्ड्स एंड तो मैं जब भी मौका मिलता है मैं अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ बहुत कुछ या करना चाहती हूँ करा नहीं है अभी तक एक जून ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग एंड एवरीबडी विल बी थ्रिल्ड बिकॉज इट्स सीजन टू ऑफ समथिंग एंड आई होप एवरीबडी इज गोइंग टू लाइक अस अगेन एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट बट नेम अभी नहीं लूंगी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और जाएगा I'm sorry, I am not able to, but I watched few matches. Russell is killing it. Hardik Pandya is killing it. I know I watched few matches with my brother, but because you know, apne daily set pe aap 12 ghante kaam kare, I don't really get time. But I know who's the star players. I know that. Done. Thank you guys. Thank you. Yes. Most stylish actress of the year. Thank you. Thank you. Thank you, cheers guys, thank you.
ये हटा लें। अच्छा तुम इधर देखो ना। चलो ठीक है। भोजपुरी फिल्म में मैंने अभी तक 8 फिल्म बनाए, मैं प्रेम रहा और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है और इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बाबू भाई, थैंक यू अस्पाक भाई एंड थैंक यू जूरी, थैंक यू अजय जी, थैंक यू मास्टर जी, संजय मास्टर जी एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ओके भाई, दबंग चल रही है ना उसका, अरे जबरदस्त। थैंक यू। सबसे पहले apparently I shifted to the non fiction domain, so it's for being doing a decent job at anchoring. Okay, anchoring ki baat kare to sabse favorite anchor aapka ab tak ka kaun laga hai screen mein, aati unka charisma bahut aapko ek hi hai Mr. Bachchan, there is nobody who can match him and unka power, unka grace jo hai jo stage pe rehta hai, jo camera ke samne rehta hai, wo aur koi match nahi kar sakta. Okay, Dada Saheb Phalke ki baat kare to ek it's the one of the biggest award in our industry, so kitna lucky. बहुत, मैं तो डबल लकी फील करता हूँ बिकॉज दिस इज द सेकंड टाइम आई एम गेटिंग इट। सो द फर्स्ट वन आई गॉट इट वाज समवेयर अराउंड आई थिंक 2014 एंड 14 और 15 समवेयर एंड नाउ इन 2019, सो आई एम जस्ट लकी दैट दे हैव कंसीडर्ड मी फॉर द सेकंड टाइम, आई एम वेरी फॉर्चुनेट। नो, how can you feel, you know, when you are in a job that you love the most, you can't feel any pressure. Pressure to us kaam mein mehsoos hota hai jo aapko pasand na ho, jab jo kaam aapko pasand ho us pe pressure kahan se ho sakta hai. Okay, tv ke alawa abhi jo aap movie bhi create kar rahe ho, uske alawa aur koi movie ya koi sign ki uske bare mein bhi bata rahe ho? Few things, but I'll have to hold that sometime. Thank you very much. Yeah, sure. यहाँ पे अवार्ड वायर पीपल टेकिंग मी इन देयर फ्रेम उधर कर लो जो आ रहा है। अरे यार डॉक्टर रिपोर्टर हैज माय फोन। चलो चारों ना, नो नॉट चारों, अभी जस्ट अभी हमारा इंटरव्यू है।
पहले तो आप सभी को मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। पहले तो ये जानना है आपको कौन से कैटेगरी में सबको अवार्ड दिया गया। बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड हमारे सर को मिला है। कोई रिश्ता का कहलाता है? और ये रिश्ता क्या कहलाता है? बेस्ट एक्टर इन द लॉन्गेस्ट रनिंग शो जी। और मैम आपको उन्होंने अभी बोला बेस्ट एक्ट्रेस। सो दादा साहब फाल्के अवार्ड बहुत ही बड़ा अवार्ड है हमारी इंडस्ट्री में, कितना लकी मानते हैं आप इतना बड़ा अवार्ड? दादा साहब फाल्के ही एक बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री में और उनके नाम पे ये अवार्ड मिल रहा है, वो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, खुशकिस्मती है और बहुत बहुत ही प्यारी बात है और इंशाल्लाह इरादा ऐसे ही आगे बढ़े। लेडीज फर्स्ट। हम पहली बार हमने दादा साहब हमने ये अवार्ड्स अटेंड किए हैं और हमें अवार्ड मिला है, वी आर वेरी हैप्पी। अच्छा लगता है कि आज 2920 एपिसोड्स पूरे हुए एंड शो 10.5 साल से ज़्यादा चला है और आज भी टॉप नंबर्स में है। तो आई थिंक जिस दिन शिवानी और मोहसिन शो में आए थे और एक कार्तिक नायरा की जोड़ी बनी थी तो ये शो बहुत ही सिक्योर कंधों पे आया था, उस दिन से मैं निश्चिंत था कि हमें टचवुड और अवार्ड्स मिलेंगे। इनकी मेहनत जो रही है और हम तीनों आज आए अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हुए, सारी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हुए, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम। मैं तो लेता नहीं प्रेशर, मैं इन पे डाल देता हूँ। नहीं, आई थिंक अगर एक अच्छी टीम साथ में आती है, एक अच्छी यूनिट साथ में आती है, अच्छे लोग आते हैं साथ में, तो प्रेशर तो रहेगा। डेली शो पे 2920 एपिसोड, 3 साल पहले लगा था कि शो बंद हो जाएगा, फिर एकदम से आए शिवांगी और मोहसिन, जब आए तो एकदम से शो का पूरा रुख बदल चुका है, मतलब यू नो एंड वी गॉट अ न्यू रिलेवेंस इन टीवी। तो अच्छा लगता है, अच्छे लोग साथ में जुड़ते हैं तो और मेहनत करते हैं, हर दिन एक जंग होती है बट हर दिन वी सेलिब्रेट, वी डिसाइड फॉर द नेक्स्ट डे, सो इट्स अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर। वो तो हर साल स्पेशल होता ही है, वी बोथ वेरी क्लोज टू आवर मदर्स एंड इंशाल्लाह हम दोनों का कुछ ना कुछ होगा। मुझे पता नहीं इनका क्या है, मुझे इन्हें पता नहीं मेरा क्या है, पर हमारा एक एक है, हमारा अपने अपने मदर्स के साथ कुछ ना कुछ स्पेशल डे होने वाला है। कुछ तो स्पेशल होगा ऑब्वियसली। और ये ट्रॉफी जो है ये हम दोनों की मम्मियों के लिए, बोलते ना सोने पे सुहागा है, वो लोग दोनों उसको सजा के बराबर। ओके सर, लास्ट आप दोनों से जानना चाहेंगे, सर ने जैसे कहा कि बीच में एक ड्रॉप आ गया था, इतना मैम ने कहा था, लेट्स नॉट टॉक अबाउट ऑल दैट प्लीज, लेट्स नॉट टेक नेम्स ऑफ एनीबॉडी, टॉक जनरली, टॉक पॉजिटिव। आपके कंधों पे जिम्मेदारी आ गई थी, उसके बाद जो आपने टेक ओवर किया है बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है माशाल्लाह। जब हमने ज्वाइन किया तब शो ऑलरेडी 2000 एपिसोड कंप्लीट कर चुका था, 7 साल के ऊपर चल रहा था। द टीम विच हैज़ बीन वर्किंग लाइक अ मशीन राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, वो आज भी वैसे ही काम करते हैं, द सेम टीम दैट वर्क्स एंड वी ज्वाइन, वी जस्ट ओवर एवरी सिंगल डे ऑफ आवर लाइफ कि हमें ये मौका मिला कि हम हमारी कास्टिंग हुई है ऐसे शो। सो द एंटायर प्रेशर वाज इन द टीम यार, हमने ऑनेस्टली एग्जैक्टली ऑनेस्टली हमने कोई प्रेशर नहीं लिया, हमें बस इतना पता था कि हम आए हैं, हमें अपना 100% देना है, अपना बेस्ट देना है, फिर जो होगा वो भगवान के हाथ में है और हमारी ऑडियंस के हाथ। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर एक्सेप्टिंग अस, सपोर्टिंग अस एंड एक्सेप्टिंग अस, सो आई मीन सो वन कम सर, वन फैमिली टुगेदर आल्सो हैज कम टू सपोर्ट ऑल ऑफ अस। ओके गाइस, Thank you. Bye bye. Thank you so much. Bye. Ah, avaaz to